नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़िमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। हाथरस में सुबह मकान की छत से पानी निकालते समय एक शिक्षक की दूसरी मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। रात को वर्षा के दौरान छत पर भरे पानी को निकालते समय पैर फिसल जाने से नीचे गिर पड़े थे। डॉक्टरों ने कर दिया था अलीगढ़ रेफर, रास्ते में तोड़ा दम। आपको बता दें, ये घटना हाथरस गेट कोतवाली की साकेत नगर कॉलोनी की है। बताया गया है कि यहां के निवासी शिक्षक बल्लभ चतुर्वेदी बुधवार की सुबह अपने मकान की छत पर पानी को निकालने के लिए चढ़ गए। उसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह सीधे सड़क पर आ गिरे। उनके निकली चीखों को सुनकर परिजन और पड़ोसी आ गए, तुरंत बागला जिला अस्पताल में लेकर आए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ रेफर कर दिया, जिन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। मौत की घटना के बाद समूचे कॉलोनी में माहौल गमगीन हो गया। मृतक गंगचोली प्राइमरी पाठशाला में तैनात थे। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। बल्लभ चतुर्वेदी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ये कैसे गिर पड़े? छत पे पैर फट गया, टंकी फंकी साफ कर रहे थे, फट गया, फिसल गया पैर का, गिर पड़े। अच्छा, देख देख।